अन्योन यूरोवन मन्ना सुबंगा वोयो। दोस्तों यूं तो मैं आपके साथ हमेशा BTS की कोई ना कोई अमेजिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसी न्यूज़ है जिसे जानकर आप सरप्राइज हो जाएंगे और सोचेंगे कि काश हम भी इतने लकी होते। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि न्यूज़ ही कुछ ऐसी है, लेकिन इस मज़ेदार न्यूज़ को हम आपके साथ शेयर करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए। दोस्तों इंडियन BTS आर्मी दिन रात बस एक ही सपना देखती है कि वे लाइफ में एक बार बांगतन बॉय से मिल सकें और उनके कॉन्सर्ट को अटेंड कर सकें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऐसा इंडियन लकी पर्सन भी है जिसे BTS को देखने और उनके साथ पिक्चर लेने का मौका मिल चुका है तो शायद आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। दोस्तों आपको याद होगा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक इंडियन पर्सन के बारे में बताया था जो कोरिया में डिलीवरी बॉय का काम करता है और उसे BTS मेंबर से मिलने का मौका मिला था। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक आंटी जी के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें शायद ये पता भी नहीं होगा कि बांगतन बॉयज कौन है, लेकिन वे इतनी लकी थी कि उन्हें बांगतन बॉयज के साथ पिक्चर शेयर करने का मौका मिला। अगर डिटेल में बात करें तो 2018 में बांगतन बॉयज जब माल्टा घूमने गए तो वहाँ जिमिन और जोंगकुक पिक्चर क्लिक कर रहे थे और इन पिक्चर्स को उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट व्यूवर्स पर शेयर किया। लेकिन जब इंडियन BTS आर्मी ने इन पिक्चर्स को देखा तो इंडियन BTS आर्मी सरप्राइज हो गई और ये पिक्चर सोशल मीडिया पर आग की तरह हर तरफ फैल गई। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इन पिक्चर्स में एक इंडियन आंटी जी भी थी जिन्हें शायद ये पता भी नहीं था कि वे दुनिया के मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट हैंडसम बॉयज के इतना करीब खड़ी हैं, जिन्होंने इंडियन BTS आर्मी की नींदें उड़ा रखी हैं और जिनके लिए पूरी इंडियन BTS आर्मी दिन रात एक बार मिलने का सपना देखती है। वेल, इंडियन BTS आर्मी इन पिक्चर्स को देखकर इतना खुश थी कि सभी ने सोशल मीडिया पर अपने अपने व्यूज शेयर करना स्टार्ट कर दिए, जिसमें कुछ आर्मीज का कहना था कि काश ये आंटी जी मैं ही होती, तो वहीं कुछ आर्मीज का कहना था कि पिछले जन्म में आंटी जी ने ऐसा क्या किया जो इस जन्म में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। और तो और दोस्तों कुछ आर्मीज का तो यहाँ तक कहना था कि हमें तो इन आंटी जी से ही मिलने का मौका मिल जाए तो हम सोच लेंगे कि बांगतन बॉयज से ही मिल लिए। इसके अलावा कुछ आर्मीज का कहना था कि बांगतन बॉयज ने ये पिक्चर इंडियन BTS आर्मी को अपना लव दिखाने के लिए शेयर की है, क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को अच्छे से जानती है कि साड़ी सिर्फ इंडिया में ही पहनी जाती है और बांगतन बॉयज आंटी जी की साड़ी से पहचान गए होंगे कि वे इंडियन हैं। वेल, एज अ BTS आर्मी इस न्यूज से मैं भी काफ़ी खुश हूँ और आंटी जी को लकी भी मानती हूँ जिन्हें हमारे एंजल्स को इतना करीब से देखने का मौका मिला, वरना हम इंडियन आर्मी तो बस ये सपना ही देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही अपनी राय हमारे साथ शेयर करें और बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि आंटी जी लकी हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन दमे तो बायो।